वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से मुख्तलिफ वफूद की मुलाकात हुई है। वज़ीर-ए-आला कहते हैं कि हमारी नीयत साफ है और तवज्जो का मरकज आम आदमी है, आने वाले दिनों में तब्दीली नजर आना भी शुरू हो जाएगी। इसी पर बात कर लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज आकिब तनवीर से। आकिब तनवीर, बताइएगा मुलाकात में और क्या कुछ कहा वज़ीर-ए-आला की जानिब से। मुलाकात की जो वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से हुई है, इसमें अराकीन असम्बली और पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जो अहदेदारान हैं वो भी शामिल थे और इसके साथ असलदियाती इदारों के जो नुमाइंदगान थे वो भी मौजूद थे। तो वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का कहना था कि अवामी मसाइल के लिए दिन रात एक कर देंगे, मेरे दरवाजे अवाम के लिए हमेशा खुले हैं और अवाम को सहूलत देने के लिए सरकारी दफातर जो है वो भी कायम किए गए और उसमें चेक एंड बैलेंस जो है वो भी रखा गया है। अवाम की फलाह के लिए हम काम कर रहे हैं और हमारी नीयत जो है वो साफ है और हमारी तवज्जो जो है वो सिर्फ अवामी मसाइल के ऊपर है। तमाम तर जो काम है वो मेरिट के ऊपर किए जाएंगे, किसी किस्म की कोई सिफारिश कल्चर जो है उसको भी खत्म किया जाएगा और पंजाब को तमाम सूबों से बेहतरीन सूबा जो है वो भी बनाया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका आकिब तनवीर।